तमिलनाडु निकाय चुनाव के परिणाम सामने आ चुके हैं। 3 जनवरी के लिए क्या यहाँ पर आंकड़े निकलकर सामने आ रहे हैं और किसको यहाँ पर नुकसान और किसको फायदा यहाँ पर होता नजर आ रहा है, फिलहाल इसके लिए गिनती जारी है। लेकिन फिलहाल जो आंकड़े यहाँ पर निकलकर सामने आ रहे हैं वो आप तक यहाँ पर पहुंचाने की कोशिश करेंगे। मद्रास हाईकोर्ट में यहाँ पर डीएमके ने याचिका लगाई है, क्योंकि डीएमके का यहाँ पर दावा रहा कि वो जीते जो यहाँ पर सीटें उनकी घोषणा नहीं की गई, तो इस पर आज सुनवाई भी होगी और नतीजे यहाँ पर घोषित नहीं किए जाए इसका यहाँ पर उन्होंने याचिका दर्ज की है। वहीं कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई के बाद सभी सीसीटीवी कैमरे की यहाँ पर जो है हलफनामा मांगा है, इसके लिए क्या यहाँ पर आंकड़े निकल कर आ रहे हैं। तमिलनाडु निकाय चुनाव की अगर बात करें तो 2020 के पहले चुनाव है और पहले ही चुनाव में बीजेपी को बड़ा झटका यहाँ पर लगता नजर आ रहा है। ग्राम पंचायत यूनियन के लिए अगर बात करें तो 5000 यहाँ पर 67 सीटों पर चुनाव ये है और इसके नतीजे भी जारी है। हालांकि अब तक फाइनल रिजल्ट नहीं, यदि घोषणा नहीं हुई है, लेकिन फिलहाल जो यहाँ पर आंकड़े हैं बीजेपी और यहाँ पर AIDMK जो है साथ लड़े हैं चुनाव। और अगर बात करें 2040 इनको सीटें गई हैं, वही कांग्रेस और DMK ने यहाँ पर 2153 यहाँ पर सीटों पर जीत दर्ज की है। ये सूत्रों मीडिया के हवाले से जो बड़ी खबर है। और इसके अलावा यहाँ पर 237 सीटें अन्य के खाते में भी गई हैं ग्राम पंचायत यूनियन के लिए। और जिला पंचायत यूनियन के लिए अगर बात की तो 515 वार्ड के लिए यहाँ पर चुनाव किए गए, उसके रिजल्ट भी सामने आ चुके हैं। 222 सीटों पर यहाँ पर BJP और AIDMK जो है साथ लड़े हैं उनको गई है और 257 सीटों पर यहाँ पर कांग्रेस और DMK आगे चल रही है और अन्य खाते में 3 सीट गई है। तमिलनाडु निकाय चुनाव में भी BJP को यहाँ पर झटका लग सकता है, हालांकि अब तक इसकी अभी घोषणा नहीं हुआ है और कांटे की टक्कर अब तक देखने को मिली है। तो आने वाले समय में किस प्रकार के यहाँ पर आंकड़े बनते हैं वो भी आपके साथ बहुत जल्द शेयर करेंगे। और इसके अलावा अगर बात करें 950 मतों से जीत दर्ज किया है यहाँ पर एरिया ने, तो ये बड़ी खबर यहाँ पर निकल कर सामने आ रही है।